शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर केस दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विपिन जिंदल ने द्वारिका साइबर थाने में दर्ज करवाई शिकायत। रामचरित मानस पर दिया था विवादित बयान। अपने विवादित बयान पर कायम है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। जीभ काटने की धमकी देने वालों को बताया पाखंडे, कहा जाति बांटने वाली बातों का विरोध होना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर नीतीश कुमार का बयान, कहा उनको विवादित बयान की नहीं है जानकारी। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बिहार में छिड़ी घमासान। बीजेपी के साथ साथ संतों ने की बयान की निंदा। बीजेपी ने की शिक्षा मंत्री के बर्खास्तगी की मांग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बोला हमला, सीएम से की कैबिनेट से बर्खास्त करने की। शिक्षा मंत्री पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बड़ा आरोप, कहा शिक्षा मंत्री महाबोगस ही नहीं वो महाझूठे हैं। चुनावी पर्चा में जाते लिखकर मांगते हैं वोट। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने आरजेडी की मंशा पर खड़े किए सवाल, कहा बयान के लिए तेजस्वी यादव मांगे माफी, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही आरजेडी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बीजेपी नेता नीरज कुमार बल्लू का पलटवार। नीरज कुमार ने के बयान की निंदा, कहा सरकार ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा। आरजेडी नेता चंद्रशेखर के बयान पर गुस्से में पूरा संत समुदाय, विरोध जताते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, मूर्ख और पद से हटाने की मांग भी की। बिहार के शिक्षा मंत्री की विवादित बयान का श्री राम सेना ने किया विरोध, कहा शिक्षा मंत्री के पद के लिए अयोग्य है चंद्रशेखर, फौरन अपना बयान वापस लेने की भी चेतावनी। राजू दास महंत हनुमान मलगढ़ी ने की बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा, कहा मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ आज जसू का उठो जागो संकल्प मार्च। सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप, कहा आश्वासन के अलावा युवाओं को नहीं मिल रही है नौकरी। बागमारा विधायक टुल्लू मेहतो से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात, कहा बारूद पर खड़ा है पूरा धनबाद। बाबूलाल ने पारसनाथ मामले पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा कि सरकार को वहां की समस्या का समाधान करना चाहिए। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय समर्थकों पर हमले से नाराज, डीजीपी कार्यालय में धरना देने की चेतावनी। बक्सर हिंसा मामले में पहली कार्रवाई डीआईजी के आदेश पर, थानेदार अमित कुमार सस्पेंड, निर्मल कुमार को दी गई थानेदार की जिम्मेदारी। बक्सर के चौसा में उपद्रव के शिकार हुए 8 पुलिसकर्मी, कई पुलिसकर्मी हुए घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट पर आगजनी और तोड़फोड़ के बाद सियासत गरमाई, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने की पुलिस की कार्रवाई की निंदा। बोकारो में तेनुघाट गेस्ट हाउस के पीछे से मिला शव, पेड़ से लटका हुआ मिला शव, घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के नहोना गांव में पंचायत समिति सदस्य रीता कुमार की आवाज पर फायरिंग, चुनावी रंजिश में गोलीबारी की आशंका, घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। देवघर में साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस पर पथराव, ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को किया क्षतिग्रस्त, कई जवानों के साथ मारपीट, गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने से मुक्त करवाकर भागे ग्रामीण। रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब किया जब्त, 2 तस्कर और 1 वाहन चालक गिरफ्तार। नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में मामूली विवाद के बाद फुआ और भतीजे ने की खुदकुशी की कोशिश, जहर खाने के बाद गंभीर हुई हालत। नवादा पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 11 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई में पिता की डांट से नाराज युवक ने की खुदकुशी, ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। गुमला में आर्मी जवान के धारदार हथियार से हत्या, बीच बचाव में पत्नी भी हुई घायल, घटना के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। चाईबासा ब्लास्ट में घायल सभी जवान को मेडिका में करवाया गया भर्ती, खतरे से बाहर सभी घायल जवान। चाईबासा के टोटो में हुआ IED धमाका, CRPF के 6 जवान घायल। रांची के काकरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बमबाजी, लेवी के रकम नहीं पहुंचने पर नक्सलियों ने वारदात। छबरा में चोरी की गई वर्तियां, झाड़ियों से बरामद हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति हुई चोरी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 26 लीटर महुआ शराब के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार, शराब पीने और बेचने का आरोप है। बगा में ट्रक की टंकी ब्लास्ट से 1 की मौत की खबर, डीजल टंकी के विस्फोट से पप्पू मिश्रे की मौत। आरा में सड़क हादसे में जीविका कर्मी की मौत, पिकअप वैन और बाइक में टक्कर से हुआ हादसा, घटना के बाद परिजनों ने मारा। सरायकेला में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की हुई मौत, बेकाबू पिकअप वैन पलटने से हादसा हुआ है, घटनास्थल पर रवाना हुई पुलिस। कोटिहारी में यूरिया की किल्लत के बीच में पैक्स अध्यक्ष के घर पर लाख रखा 200 बोरा यूरिया खाद जलकर हुआ राख, मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड की है घटना, आग लगने की वजह साफ नहीं। छबरा में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में उत्पाद विभाग, डॉग स्क्वाड की मदद से शराब और उसके भट्टियों को किया नष्ट, इस मामले में 2 लोगों को किया गया नामजद। पागलपुर के जिला कोर्ट में सब लगी भीषण आग, वकीलों के बैठने के चैम्बर में आग लगने से हड़कंप, चैम्बर में रखे कुर्सी और टेबल वे जलकर राख।
लखीसराय में चलती हुई मालगाड़ी के तीन बोगी में आग लगने से हड़कंप, ट्रेन रोककर आग पर पाया गया काबू। गोड्डा के महागामा में घर में आग लगने से बिखर गए 8 परिवार, सरकारी सहायता नहीं मिलने से परिजन परेशान। सुखाड़ की हकीकत जानने के लिए 3 सदस्यीय टीम पहुंची गढ़वा, गांव में जाकर खेतों का लिया जायजा। रांची में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीएम ऑफिस परिसर से जागरूकता रथ रवाना, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। रांची में युवा शक्ति संस्थान ने की नशे के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग, व्यापक अभियान के तहत निकाला गया मार्च। रोहतास में पुरानी पेंशन योजना के मांग को लेकर ईसीआर के यू का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मांग, पीडब्ल्यूआई कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। सरायकेला में मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर कंपनी शौर्या प्लास्टो की जांच, कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप, जांच के बाद एसडीओ ने की क्लीन चिट। बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर उन्मुखी कार्यालय शाला का आयोजन, राम रुद्र प्लस टू हाई स्कूल चास के सभागार में किया गया आयोजन। झारखंड बिजली विभाग के जीएम एक दिवसीय दौरे पर गुमला पहुंचे, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में सही तरीके से बिजली आपूर्ति करने का दिया था निर्देश। रोहतास में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान, डीसीओ ने कहा दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मगध जोन के आईजी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, अरवल महिला थाने का किया निरीक्षण, गृह मंत्रालय के सर्वे में टॉप 3 थानों में स्थान मिला है। रोहतास सदर अस्पताल में कड़ाके की ठंड से मरीज परेशान, वार्डों में ठंड से बचाव की नहीं कोई व्यवस्था, रूम हीटर लगाने की मांग। लखीसराय में मकर संक्रांति से पहले बस अड्डों पर लगी लोगों की भीड़, अपने परिजनों को पहुंचा रहे चूड़ा, तिलवा तिलकुट, नए रिश्तेदारों के यहां हर हाल में सामान पहुंचाने की है परंपरा। मोतिहारी के सदर अस्पताल में बना आश्रय गृह ठंड में गरीबों के लिए साबित हो रहा वरदान, मरीजों के परिजन इस आश्रय गृह में निःशुल्क बिता रहे हैं रात। लखीसराय में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, चारण में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने 3500 किलो महुआ और कई लीटर देसी शराब की नष्ट, शराब की कई भट्टी को भी नष्ट किया है। लखीसराय में बाघ दिखने की जानकारी पर स्थानीय लोगों में भय का माहौल, हलसी थाना के तहत औरैया गांव में दिखा बाघ, लाठी डंडों से खदेड़ने का किया गया प्रयास। कटियार में खनन माफियाओं के खिलाफ विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्राणपुर थाना के मनिया गुमटी के पास महिला इंस्पेक्टर ने किया ट्रक जब्त, कई आरोपी गाड़ी लेकर मौके से फरार, जब्त ट्रक को प्राणपुर थाने में किया गया सुपुर्द। समस्तीपुर में चोरों का दिखा आतंक, चोरों ने की निजी ट्रेलर से 4.5 लाख रुपए की चोरी, घर के एक ट्रैक्टर को भी चुराने की कोशिश की। शेखपुरा में मकर संक्रांति से पहले आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने करवाया चूड़ा का महाभोज, अपने आवास पर महाभोज करवाने से शहर में जाम लग गया, 5 घंटे तक लोग जाम में परेशान रहे। सिवान में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूर्व सचिव को फिर मिली धमकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई हत्या की आशंका, कहा सीएम से लेकर तमाम अधिकारी से की शिकायत लेकिन अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। छपरा में आधुनिकता की भीड़ चढ़ गई है घुनसार, कभी महिलाओं की यहाँ लगती थी सभा, भूंजा भुनाने के बहाने यहाँ चुटती थी महिलाएं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की भी निशानी, एक दशक पहले तक बचा था घुनसार का वजन। मोतिहारी में रंगदारी की मांग को लेकर दुकानदार के घर पर गोली चलाने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा जिले के पकरी वर्मा धमौल बाजार से अगवा हुई किशोरी को पुलिस ने किया बरामद, राजस्थान के कोटा शहर में मिली गिरफ्तार। समस्तीपुर में न्यूज स्ट्रीट की खबर का दमदार असर, डीएम दफ्तर के परिसर में मिली थी शराब की खाली बॉटल्स, डीएम ने कार्रवाई का दिया आदेश।